मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक फैमिली को जिसमें चार लोग शामिल होते हैं, आदमी गीता, उसकी बीवी जुनसु, बेटी किजन और बेटा कीवो। वो लोग एक छोटे से बेसमेंट में रह रहे होते हैं। इन लोगों को सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि इनके फाइनेंशियली हालत बहुत खराब थे और अपना घर चलाने के लिए पिज्जा के बॉक्स बनाने का काम करते थे, मगर घर का खर्चा चलाने के लिए ये काम उनके लिए काफी नहीं था। फिर एक दिन कीवो का दोस्त, जो उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उनके घर पर आता है। वो कीवो को एक पत्थर देता है और कहता है कि मेरे दादा ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। आमतौर पर उस पत्थर को बहुत खास समझा जाता था और उसके बारे में ये ख्याल था कि जिसके पास भी वो पत्थर होता है उसे खुशियाँ मिलती हैं और उसके हालात अच्छे हो जाते हैं। कि वो अपने दोस्त को अपनी फाइनेंशियली हालत के बारे में बताता है जो कि ठीक नहीं है। उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, जिस लड़की को मैं ट्यूशन पढ़ाता था तुम उसे इंग्लिश पढ़ा दो। जिस पर कि वो कहता है कि मैं तो कॉलेज जाता नहीं और वो लोग मुझे काम नहीं देंगे। उसका दोस्त कहता है तुम्हारे लिए मैं सिफारिश कर दूंगा, बस अपनी बहन से एक फेक डिग्री बनवा लो। कीवो की बहन आर्टिस्टिक होती है और वो उसके लिए डिग्री बना देती है। फिर कीवो उस जगह पर चला जाता है जहाँ उसने ट्यूशन देनी होती है। वो घर काफी बड़ा और काफी खूबसूरत होता है और वो फैमिली काफी रिच होती है और फैमिली का नाम पार्क फैमिली होता है। इस फैमिली में भी चार लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी वो जिसका नाम दहाई होता है, जिसे ट्यूशन पढ़ाना होता है। वहाँ पर एक मेड भी होती है जो काफी अच्छे से वहाँ पर काम कर रही होती है। कीवो एक डेमो क्लास देता है जिसमें दहाई की मदर भी उसके साथ बैठ जाती है। वो कीवो से सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसे काम दे देते हैं। फिर कीवो को पता चलता है कि उस लड़की के छोटे भाई दस सोम को पेंटिंग का बहुत शौक है। इस मकसद के लिए उन्होंने बहुत सी टीचर्स को हायर किया था लेकिन कोई भी परमानेंट नहीं रुकी। कीवो सोचता है कि मेरी बहन आर्टिस्टिक है तो मैं उसे इसका पेंटिंग टीचर बना देता हूँ। फिर वो दसोम की मदर से बात करता है कि मेरी एक कजन है जो आर्टिस्टिक है, मैं मशवरा देता हूँ कि आप उसको हायर कर लें। दासोम की मदर ये सुनकर राजी हो जाती हैं और अगले दिन की वो अपनी बहन को जेसिका नाम की लड़की बनाकर इंट्रोड्यूस करवाता है। असली नाम इसलिए नहीं बताता ताकि किसी को शक ना हो कि वो दोनों बहन भाई हैं। और किजन जेसिका बनके उस बच्चे की आर्ट टीचर बन जाती है और कहती है कि मैं आर्ट थेरेपिस्ट भी हूँ और अपनी बातों से उन लोगों को इम्प्रेस कर लेती है। अब ये दोनों बहन भाई उन दोनों बहन भाई के टीचर्स बनके काम करने लगते हैं। और जब जेसिका की पहली क्लास होती है तो उस घर के मालिक यानी सोम के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने ड्राइवर को कहता है कि वो जेसिका को घर छोड़ाए और वो ऐसा ही करता है। ड्राइवर जेसिका को घर छोड़ने का कहता है क्योंकि काफी देर हो चुकी होती है। जेसिका ड्राइवर को कहती है कि आप मुझे मेट्रो स्टेशन पर ही ड्रॉप कर दीजिएगा और ड्राइवर उसे वही ड्रॉप कर देता है। और जेसिका जब गाड़ी में बैठी होती है तो वो जानबूझकर अपनी पैंटीज गाड़ी में छोड़ देती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उनके ऑनर को शक हो जाए कि उनका ड्राइवर सही नहीं है। और जब उनके ऑनर को वो पैंटीज मिलती है, उन्हें शक हो जाता है कि हमारे ड्राइवर और हमारे बेटे की आर्ट टीचर के दरमियान कुछ चल रहा है और ये वो अपनी बीवी से डिस्कस करता है। फिर उसकी बीवी जेसिका से उस रात की बात पूछती है जब ड्राइवर ने उसे ड्रॉप किया है, जिस पर वो कहती है कि मैं घर की बजाय मेट्रो स्टेशन पर उतर गई थी। जिस पर घर की ऑनर सेटिस्फाइड हो जाती है और वो जेसिका को जाने का कहती है और इसके बाद वो अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाल देती है। जेसिका ने ये सब इसलिए किया होता है क्योंकि वो ड्राइवर की जगह पर अपने फादर को लाना चाहती। फिर वो उन लोगों को सजेस्ट करती है कि मेरे फादर के भाई के ड्राइवर हैं जो काफी अच्छे ड्राइवर हैं, आप उन्हें रख लें। और फिर वो अपने फादर को फादर के भाई का ड्राइवर कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके फादर को भी नौकरी मिल जाती है और वो तीनों बाप बेटी बेटा वहाँ पर नौकरी करना शुरू कर देते हैं। वो लोग बहुत अनजान बन के काम कर रहे होते हैं ताकि उनके ऑनर्स को शक ना हो कि वो दोनों बहन भाई और वो उनके फादर हैं। फिर हम देखते हैं कि कीवो जब दहाई को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है तो वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब कीवो और कीजन अपनी मदर को भी उस घर में काम दिलवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए उन्हें उस मेड को वहाँ से निकलवाना था, जो कि इतना आसान नहीं था। वो एक प्लान सोचते हैं। पीच के ऊपर जो पाउडर होता है उससे किसी भी इंसान को एलर्जी हो सकती है और वो ऐसा ही करते हैं। जब वो मेड डॉग से खेल रही होती है तो वो पाउडर उस पर गिरा देते हैं जिससे उसको शदीद एलर्जी हो जाती है और वो हॉस्पिटल चली जाती है। और जब वो हॉस्पिटल होती है तो कीवो के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो एक सेल्फी बनाते हैं जिसमें वो उसे भी कैप्चर कर लेते हैं। फिर वो घर की मालकिन को शॉपिंग पर लेकर जाता है और वहाँ उसे बताता है कि मैंने घर की मेड को हॉस्पिटल में देखा था और जब मैं सेल्फी बना रहा था तो वो भी बीच में आ गई और ना चाहते हुए भी मैंने उस लेडी की बातें सुन ली हैं। उसे टीबी है लेकिन उसकी मालकिन उस बात पर यकीन नहीं करती। फिर वो अपनी बेटी किजन को मैसेज ड्रॉप करता है कि हम 3 मिनट तक घर पहुंच रहे हैं। मैसेज देखते ही किजन दोबारा से पीच का वो पाउडर मेड पर डाल देती है और उसे फिर से खांसी होना शुरू हो जाती है। और इस दौरान घर की मालकिन भी वहां पहुंच जाती है और वो लेडी एक टिश्यू इस्तेमाल करती है और फिर उसे डस्टबिन में फेंक देती है। फिर उनका ड्राइवर डस्टबिन की तरफ जाता है जहां उसने टिश्यू फेंका होता है। टिश्यू पर वो सॉस
ग्लास गिरा देता है और अपनी मालकिन को दिखाता है, जिससे उसे यकीन आ जाता है कि मेरा ड्राइवर ठीक कह रहा था कि उस मेड को टीबी है। फिर वो अपने ड्राइवर को कहती है कि तुम इस बात का जिक्र अपने मालिक से ना करना, वरना वो काफी गुस्सा हो जाएंगे। और फिर वो उस औरत को भी नौकरी से निकाल देते हैं और उनका ड्राइवर बड़ी चालाकी से अपनी बीवी को एक कुक के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है और बिल आखिर उसकी बीवी को भी नौकरी मिल जाती है। और फिर वो चारों लोग एक ही फैमिली में काम कर रहे होते हैं और किसी को शक भी होने नहीं देते कि वो एक ही फैमिली से हैं। बड़ी चालाकी से वो अपने नाम चेंज करके रह रहे थे। उन लोगों के हालात काफी बदल चुके होते हैं, गरीबी से उन लोगों के हालात काफी अच्छे हो जाते हैं, अच्छा खाने को मिलता है और अच्छी पे ले रहे होते हैं। फिर 10 ओम का बर्थडे होता है और पार्क फैमिली उसे सेलिब्रेट करने के लिए एक पिकनिक पर जाने का फैसला करते हैं और वो उसके लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये चारों लोग एक पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक से डोर की बेल बजती है और दरवाजे पर वही पुरानी मेड खड़ी होती है। वो कहती है कि मेरा कुछ सामान वहाँ पर रह गया है जिसे मैं लेना चाहती हूँ। जुनसुक उसे अंदर आने देती है और फिर वो लेडी बेसमेंट में चली जाती है। काफी टाइम गुजरने के बाद भी वो लेडी वापस नहीं आती, जिस पर जुनसुक वहाँ जाकर देखती है तो वो एक कबर्ड को धकेल रही होती। वो उससे हिल नहीं रहा होता क्योंकि उसके नीचे प्लेट फंसी होती है। जुनसुक उस प्लेट को निकाल देती है और वो अलमारी अपनी जगह से हट जाती है। उस अलमारी के नीचे दरअसल एक रास्ता होता है, एक खुफिया रास्ता जो नीचे की तरफ जा रहा होता है। वो मेड वहाँ पर चली जाती है और देखती है वहाँ पर एक आदमी है। हकीकत में वो उसका हस्बैंड होता है, उसे उसने यहाँ पर छुपा कर रखा होता है। उसे यहाँ पर तकरीबन 4.5 साल हो जाते हैं। पार्क फैमिली को इस बारे में नहीं पता होता क्योंकि उनसे पहले जो फैमिली यहाँ पर रह रही थी वो उन्हें नहीं बताती, और ये लेडी काफी अर्से से यहाँ काम कर रही होती है, ये सब जानती है कि यहाँ एक खुफिया रास्ता है। उसने अपने हस्बैंड को यहाँ इसलिए छुपाया होता है क्योंकि उसके सर पर कुछ कर्जा होता है जिसको अगर वो नहीं उतारेगा तो लोग उसे मार देंगे। फिर वो मेड जुनसुक को कहती है कि तुम हफ्ते में एक मरतबा मेरे हस्बैंड को खाना दे दिया करो, यहाँ पर फ्रिज अवेलेबल है, इसके बदले में मैं तुम्हें पे कर दूँ। जुनसुक इनकार कर देती है और पुलिस को कॉल करने का बोलती है, जिस पर वो औरत काफी मिन्नतें करती है कि वो ऐसा ना करे। और जुनसुक का हस्बैंड बेटा बेटी सीढ़ियों से ये बातें सुन रही होती है। उनमें से किसी का पांव स्लिप होता है, वो तीनों सामने आकर गिर जाते हैं। ये देखकर वो मेड वीडियो बना लेती है और की वो कहता है पापा मेरा पांव, और ये भी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये चारों फैमिली है और उन्होंने चालाकी से यहाँ पर नौकरी हासिल की है। ये वीडियो वो घर की मालकिन को सेंड करने का कहती है, जिस पर जुनसुक उसे काफी मिन्नतें कर रही होती है कि वो ऐसा ना करे। वो औरत अपने हस्बैंड को लेकर ऊपर आ जाती है और उन चारों को कहती है कि वो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं। वो चारों खड़े हो जाते हैं और वो उनका भी वीडियो बना लेती है और साथ में उस टेबल की भी जिस पर वो पार्टी कर रहे हैं। ये चारों उन दोनों हस्बैंड वाइफ पर हमला कर देते हैं और उनसे मोबाइल लेकर वीडियो को डिलीट कर देते हैं। उन लोगों की आपस में लड़ाई हो रही होती है कि अचानक से टेलीफोन की घंटी बजती है। जुनसुक फोन उठाती है और ये घर की मालकिन का फोन होता है। वो कहती है कि तेज बारिश की वजह से ट्रिप कैंसिल हो गई है और हम 8 मिनट तक वापस आ रहे हैं, और वो उसे खाना बनाने का बोलती है। और 8 मिनट तक उन्हें घर का सारा सामान भी सेट करना था। काल के दौरान वो तीनों उन दोनों हस्बैंड वाइफ का मुंह बंद करके खड़े होते हैं। फिर वो लोग उन हस्बैंड वाइफ को बांध कर दोबारा बेसमेंट में छोड़ आते हैं और उसके बाद सफाई करना शुरू कर देते हैं। और ठीक 8 मिनट के बाद वो फैमिली घर पर आ जाती है और वो लोग घर की सफाई भी कर चुके होते हैं। और पार्क फैमिली को जरा भी शक नहीं होता कि उनकी आने से पहले यहाँ पर क्या कुछ हो चुका है, और वो लोग भी फिर छुप जाते हैं। वो लोग खाना खाते हैं और घर की मालकिन जुनसुक को बताती है कि एक बर्थडे की रात को मेरा बेटा केक खाने के लिए उठा था, तब उसने एक भूत को देखा था, लेकिन वो भूत नहीं होता, वो उस मेड का हस्बैंड होता है और ये लोग समझते हैं कि शायद वो कोई भूत। बारिश हो रही होती है और उनका बेटा दासोम कहता है कि आज रात मैं बाहर सोऊंगा, और वो टेंट लेकर बाहर बैठ जाता है। दासोम के मदर और फादर हॉल में ही सोते हैं ताकि सारी रात उसको देख सके। वो दोनों सोफे पर लेटकर बातें कर रहे होते हैं और सोफे के नीचे कीटक किजन और की वो छुपे हुए होते हैं। घर का ड्राइवर कीटक होता है और घर का मालिक अपनी वाइफ को बता रहा होता है कि उसके जिस्म में से नागवार किस्म की स्मेल आती है जिसको बर्दाश्त करना नामुमकिन है। वो सच कह रहा होता है क्योंकि जिस जगह पर वो लोग रह रहे होते हैं वो गार्बेज एरिया होता है, लोग वहाँ पर टॉयलेट करते हैं, इस वजह से इस घर के सारे लोगों की जिस्म में कपड़ों में एक गंदी सी बू आती है। और ये सब बातें वो लोग भी सुन रहे होते हैं। उन्हें बुरा लगता है क्योंकि एक बार दासोम ने ये बात कही थी कि मेरी टीचर में से स्मेल आती है और वैसे ही हमारे ड्राइवर और मेड में से भी आती है। फिर वो लोग अपना सॉप अपना टॉवल चेंज करने का सोचते हैं, लेकिन ये उनके जिस्म की स्मेल नहीं होती बल्कि उस घर की होती है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। और जब वो दोनों सो जाते हैं तो ये सोफे के नीचे से निकल कर अपने घर में अपने बेसमेंट में आ जाते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही होती है
है और जब वो अपने घर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका सारा घर पानी से भर चुका है। घर की खिड़की खुली रहने की वजह से सारा पानी अंदर आ जाता है और अब वो जगह रहने के काबिल नहीं रहे। फिर वो एक जगह जाते हैं जहाँ बहुत से लोग सो रहे होते हैं और वो लोग भी अपनी रात वहीं गुजारते हैं। फिर किचन को घर की मालकिन की कॉल आती है, वो कहती है कि हमारे बेटे की बर्थडे है, आप उसकी टीचर हैं, आपको आना चाहिए जिससे उसे बहुत खुशी हो। और वो कीवो को भी बुला लेती है जो कि उसकी बेटी का टीचर होता है। फिर वो बाजार में शॉपिंग करने जाती है और जब वो गाड़ी में बैठी होती है तो उसके ड्राइवर में से एक अजीब किस्म की स्मेल आ रही होती है और वो अपने नाक पर हाथ रख लेती है, जिस पर उसके ड्राइवर को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग उनके साथ ऐसा रिएक्ट करें। उसकी मालकिन भी ऐसा करना नहीं चाहती लेकिन उसे ऐसा करना पड़ता है। फिर पार्टी चल रही होती है और कीवो और उसकी स्टूडेंट दहाई ऊपर होते हैं और कीवो उसे पूछता है, तुम्हें लगता है कि हम इनमें से एक हैं? वो अपने जवाब को यस कहते हुए सर हिला देती है, लेकिन वो इनमें से एक नहीं होते और वो सोचता है कि बेसमेंट में जो लोग हैं अगर वो ऊपर आ गए तो इनका राज फाश हो जाएगा और फिर उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। फिर वो कुछ सोचते हुए वही पत्थर जो उसके दोस्त ने दिया था उसे निकालता है। वो उस पत्थर को लेता है और बेसमेंट में चला जाता है जहाँ वो मेड और उसका हस्बैंड होते हैं। घर की मेड की एक रात पहले ही मौत हो चुकी होती है क्योंकि जब वो लोग इन्हें नीचे लेकर जा रहे होते हैं तो वो भागकर ऊपर आने की कोशिश करती है, जिस पर जुनसुक उसे टांग मारती है, वो गिर जाती है और मर जाती है। उन चारों को भी इस बारे में पता नहीं होता कि वो नीचे पहुंच जाता है और उसके हाथ में वही पत्थर होता है। किसी तरह पत्थर उसके हाथ से गिर जाता है लेकिन वो बड़ी चलाकी से चुपके से जाकर उस पत्थर को उठा लेता है। वो उन दोनों को मारने आया था ताकि उनका राज कभी भी उनके सामने ना खुले, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और वो आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ता है। उस मेड का हस्बैंड जो अपने आप को खोल चुका होता है, कीवो के गले में रस्सी डालकर उसे घसीटता है और उस रस्सी को एक जगह पर अटका देता है और फिर वो वही पत्थर उठाता है। वो कीवो को पत्थर से मारने लगता है लेकिन नहीं मारता, वो वहाँ से भाग जाता है लेकिन बेसमेंट से गिर जाता है और वापस आकर वो उसे काफी जख्मी कर देता है। फिर वो पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाता है। फिर उसकी नजर पड़ती है किचन पर जो केक लेकर दासोम की तरफ जा रही होती है और वो फौरन उसे पहचान लेता है। वो उस चाकू से किचन के सीने पर वार करता है जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है। किचन के फादर उसके जख्म को दबाते हैं ताकि खून ज्यादा ना बहे लेकिन उसका जख्म काफी गहरा होता है। जुनसुक ये देखती है कि उसने मेरी बेटी पर हमला किया है और वो उसकी तरफ बढ़ती है और उन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में जुनसुक उस आदमी को मार देता है। अब घर का ऑनर अपनी चाबी लेना चाहता है जो कि उस मरे हुए आदमी के नीचे पड़ी होती है और वो चाबी जब निकाल रहे होते हैं तो उन्हें काफी स्मेल आती है और वो मुंह पर हाथ रख लेते हैं और जब उनका ड्राइवर उन्हें ऐसा करते हुए देखता है तो उसके चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं। वो शदीद गुस्सा था, वो चाकू उठाता है और उस चाकू से मालिक पर वार करता है। कीटक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उनके मालिक को चाबी चाहिए थी ताकि वो अपने बेटे सॉम को हॉस्पिटल लेकर जाए क्योंकि वो बेहोश होता है और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी भी मर रही होती है लेकिन उसके बारे में उन्हें कोई ख्याल नहीं आता। कीटक अपने मालिक को काफी हैरानी से देखते है क्योंकि जब वो पुरानी मेड के हस्बैंड के नीचे से चाबी निकाल रहे थे वो नाक पर हाथ रख लेते हैं जिससे उसे बुरा लगता है क्योंकि उसकी जिस्म में से भी सेम वैसी स्मेल आ रही होती है और वो खुद को उस आदमी के साथ रिलेट कर लेता है। अब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि हम जैसे लोगों को ये लोग हकारत की नजर से देखते हैं। इस तंग नजर देखने की वजह से वो उन्हें चाकू से मार देते हैं और उसके बाद वो ड्राइवर गायब हो जाता है। किचन मर जाती है और कीवो बच जाता है लेकिन उसकी मेंटल एबिलिटीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर उन माँ बेटे पर धोखे चालबाजी और साजिश का केस चलता है लेकिन कोर्ट उन्हें कोई सजा नहीं देता, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और छोड़ देता है। पार्क फैमिली वो घर सेल कर देते हैं और जर्मन फैमिली उन्हें खरीद लेती है। वो लोग इस घर की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे और उसके बेसमेंट में आज भी कीटेक होता है, यानी वो ड्राइवर, क्योंकि वो अपने मालिक को मारने के बाद यहाँ पर आकर छुप जाता है और किसी को पता नहीं चलता। और फिर वो मोर्स कोड के जरिए यानी लाइट ऑन ऑफ करके वो अपने बेटे को ये मैसेज देना चाहता है कि वो आज भी जिंदा है और यहाँ पर छुपा हुआ है। मोर्स कोड बेसिकली एक सिग्नल समझा जाता है जो दो लोगों को आपस में कम्युनिकेट करता है, जो किसी को मैसेज भेजने की फैसिलिटी रखता है। उस बल्ब के थ्रू वो सिग्नल ऐसे भेजता है, वो उसे डिफरेंट टाइम में ऑन ऑफ करता है और अपने बेटे को सिग्नल सेंड करता है। उसका बेटा कीवो जो कि दूरबीन से सिग्नल को देखता है, उसके पास एक कोड आता है जिसको वो डिकोड करके मालूम कर लेता है कि उसके फादर आज भी जिंदा है और उसी बेसमेंट में है। और उसे इस बात का पछतावा होता है कि उन्होंने पार्क फैमिली के ऑनर को मार दिया और वो उनकी तस्वीर के सामने जाकर अपोलोजाइज करता है। फिर कीवो कहता है कि एक दिन मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और हम वही घर खरीद लेंगे और बेसमेंट में तुम ऊपर आना और हम वहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। ऐसा हो जाता है कि वो घर खरीद लेता है और केटी उस बेसमेंट से बिलाखौफ बाहर जाता है, अपनी फैमिली से मिलता है, लेकिन ये सब कुछ उसकी एक सोच होती है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।